सभी विद्यार्थियों का एसी एकेडमी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिसे आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, लगातार आपको हर विषय के डे बाय डे वीडियो मिल रहे हैं और आशा करते हैं आप अच्छे तरीके से उनको पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है सारी चीजें और लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। जब तक हमारा शिक्षण संस्थान नहीं खुल जाता, हम सही व्यवस्थित रूप से तैयारी नहीं कर पाते, तब तक हम इस प्लेटफॉर्म को जारी रखेंगे। तो आप सभी का सहयोग चाहिए, बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए। तो मैं बात करता हूँ कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के, आपको तीन पार्ट दे चुका हूं मैं। अध्याय प्रथम जिसका नाम है स्वर्णिम भारत संघर्ष, स्वर्णिम भारत 1206 ईस्वी तक, और पार्ट नंबर 4। पहले पार्ट में हमने बात क्या की थी, 16 महाजनपदों की। दूसरे में राजस्थान में कौन से महाजनपद थे उनकी बात की थी, और आज फिर उसके बाद में हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी। अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की बात की थी। आज हम बढ़ते हैं अशोक महान मौर्य सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जहां से आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सम्राट अशोक 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं और 232 ईस्वी पूर्व तक राज करते हैं। 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक राज करते हैं। और ये इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे बिंदुसार। बिंदुसार इनके पिता थे। और कहते हैं कि सुना है, जनश्रुति है कि ये अपने पिता से विद्रोह करके गद्दी पर बैठे थे। कहने का मतलब, कहते हैं कि अशोक के 100 भाई थे, 100 भाइयों को मारकर ये गद्दी पर बैठा था। 100 भाइयों को मारकर और अपने पिता से विद्रोह करके फिर इस गद्दी पर बैठा था। कब, 273 ईस्वी पूर्व, यानी 273 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और अपने 100 भाइयों को मारते मारते ये सही रूप से 269 ईस्वी पूर्व में अपना राज्य अभिषेक करता है। सही रूप से शासन कब संभालता है, 269 ईस्वी पूर्व में, ये ध्यान रखना। अब देखिए, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लगाए थे। दो शिलालेख आता है मास की वह गुर्जरा अभिलेख में, अभिलेख मैंने आपको बताया था पत्थरों पर जो लिखे हुए मिले हैं उनको अभिलेख या शिलालेख कहा जाता है। तो मास की वह गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मौर्य सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है, ध्यान रखना, अशोक मिलता है। यानी एक राजा के अलग अलग नाम हुआ करते थे, तो मास की वह गुर्जरा अभिलेख मिले उसमें इसका नाम क्या मिलता है, अशोक ही मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देव नाम पिए वह देव, एक नाम हो रहा जाता है देव, देवाना पिए दसी की उपाधि मिली हुई है, ध्यान रखना। अभिलेखों में एक तो देव नाम पिए की उपाधि दी गई है। अलग अलग बहुत सारे शिलालेख लिखे गए और सबसे ज्यादा अशोक के ही शिलालेख है। तो ध्यान रखना, अशोक 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व, पिता बिंदुसार, 100 भाइयों को मारकर सही रूप से गद्दी पर बैठता है 279 ईस्वी पूर्व। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, और अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय व देवाना प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए अशोक की और क्या बातें। अशोक ने क्या किया था, अशोक ने विदिशा की राजकुमारी से शादी की। विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया, जिनसे पुत्री संघमित्रा व पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट। एक इनकी पत्नी और आती है, उस पत्नी का नाम है कारुवकी, भी इनकी पत्नी आती है, क्योंकि एक राजा की बहुत सारी पत्नी हुआ करती थी, लेकिन उसमें से दो तीन मुख्य हुआ करती थी। तो एक तो विदिशा की राजकुमारी से विवाह किया और उसकी जिनसे पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ।
दूसरा एक इसकी पत्नी आती है उसका विवरण मिलता है, कारुवी की नाम की पत्नी मिलती है। इसके बाद में देखो राज्याभिषेक के सातवें वर्ष, राज्याभिषेक के सातवें वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया, आक्रमण किया, अधिकार किया, वह खोतान क्षेत्र को जीता और श्रीनगर की स्थापना की। कश्मीर में जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर शहर किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था, ध्यान रखना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत पढ़ते रहना इसको। तो राज्याभिषेक के सातवें वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया और खोतान क्षेत्र को क्या कर दिया? जीत लिया। और श्रीनगर की क्या कर दी? स्थापना। अब देखिए इंपॉर्टेंट है क्या, राज्याभिषेक के आठवें वर्ष, ठीक है, राज्याभिषेक सही रूप से कब होता है? 273 ईस्वी पूर्व होता है। एक होता है ईस्वी, एक होता है ईस्वी पूर्व। अब आपको पता है क्या इन दोनों में अंतर क्या है? ईस्वी आज चल रही है 2020, कहने का मतलब है ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको मान लिया गया 1 ईस्वी। अब आज हम 2020 में है ना, तो हम कह रहे कोरोना वायरस आया तो ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल बाद। ईस्वी पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, जिसे नाम आया ना 273 से 232। ये देखो कई विद्यार्थियों को लग रहा है ये उल्टा चल रहा है, लग रहा है ना उल्टा चल रहा है। देखो ईसा मसीह के 273 ईस्वी से जन्म से पहले और 232 ईस्वी जन्म से पहले की घटना अशोक के काल के, ईस्वी पूर्व जन्म के पहले की घटना और ईस्वी है जन्म के बाद की घटना, ध्यान रखना। तो आठवें वर्ष अशोक ने राज्याभिषेक के आठवें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग ध्यान रखना उड़ीसा केंद्र है, उड़ीसा राज्य है ना, वहां पे कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया, ध्यान रखना। और हाथी गुफा अभिलेख है, अभिलेख है शिलालेख, हाथी गुफा अभिलेख में जानकारी मिलती है कि कलिंग का राजा उस समय नंदराज था। कौन है? आर्थिक उपाभिलेख में जानकारी मिलती है कि उस समय जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया आठवें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में इसने आक्रमण किया था, उस समय इस कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। और इस कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोसली, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। और यहां इस युद्ध में क्या हुआ? 1 लाख लोग मरे गए, कितने? 1 लाख लोग मरे गए, जिससे अशोक का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ, मन में गुलामी हुई। और इस अशोक ने जो अपने 100 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था, इतने लोगों इसने देखा कितनी जनता मर रही है, कितने सैनिक मर रहे हैं, सैनिक के घरवाले हैं वो सारे उजड़ चुके हैं, हमने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, राजा मारा गया, फिर क्या हो? कुछ नहीं मरेगा। तो अशोक के मन में गलानी हुई कि ऐसे करने से कुछ नहीं मिलेगा, अब मैं आज के बाद धर्म की नीति अपनाऊंगा, कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। कहने का मतलब कि अब उसने क्या नीति बनाई? अब उसने नीति बना ली दम्भ घोष की, भेरी घोष की जगह दम्भ घोष की नीति अपना ली, भेरी घोष की जगह दम्भ घोष की नीति अपनाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अशोक ने युद्ध छोड़ दिए, कभी भी युद्ध नहीं करेगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अब धम्म का मतलब होता है धार्मिक काम करेगा। कौन से? धार्मिक काम करेगा। इसी कारण इसने क्या किया? क्षमा शर्मण, क्षमा निर्ग्रत
वह उपगुप्त, ठीक है, इसका सही नाम है, आपके किताब में बता देता हूं क्या लिखा हुआ है, तो शर्मण निर्ग्रोथ, शर्मण निर्ग्रोथ वह उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा? बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का उपासक बन गया। कौन है? अशोक। लेकिन जब ये बौद्ध धर्म का उपासक, जो उपासक बना था उस समय, वो किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। पहले शिव का उपासक था। तो मोटी मोटी बातें आपको मैं बता रहा हूं, सारी बातें नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना। किताब आप सारे अपनी किताब में से जो मेन चीजें होती है वो पढ़ते रहना। आपको मुख्य मुख्य बातें जो बताने योग्य होती है बोर्ड पर ऑनलाइन क्लास में वो बताई जाती है, बाकी आप जैसे अशोक का टॉपिक है उसको सारा का सारा पढ़ो। कोई लाइन रह गई है, कोई नई चीजें हैं वो आप उसको पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छी बात जो क्लियर रूप से होगी वो आपको बातें क्या है बताई जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह इसको अशोक को पढ़ना है, अशोक से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा, ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अब हम अगले वीडियो में और बात करेंगे अशोक ने किसके प्रभाव में आए, कहां कौन सी यात्रा की, क्या सिस्टम किया, उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे।